हेलो दोस्तों, द जॉब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलते हैं अपने नए टॉपिक विकृत गंधिता के बारे में, या उसके उदाहरण और प्रकार के बारे में। विकृत गंधिता में कौन कौन सी बातें होती है उसको हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर विकृत गंधिता होता क्या है। तो विकृत गंधिता होता है बासीपन, जैसे, और विकृत गंधिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। तो जैसे हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, अजीब अजीब ढकारे आती है, उसमें स्मेल भी अजीब अजीब आता है, ऑर्डर हो जाता है इसका स्मेल, यानी वो क्या रहता है, बदबू देने लगता है। तो उसी प्रकार एसिडिटी में भी क्या होता है, खानों की भी एसिडिटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि वो उसमें जो स्वाद है, या फिर कह सकते हो उसका जो टेस्ट है, वो बदल जाएगा। फिर उसमें जो उसका जो पहले क्या था, वो ताजा था, अब वो बासी हो गया कुछ देर छोड़ देने के बाद, तो क्या हो गया, उसका टेस्ट बदलेगा, साथ साथ उसमें खट्टापन भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, दूध को कुछ देर बिना उबाले गर्मी के दिनों में छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, और जैसे हम उसको उबालते हैं तो वो फट जाता है, वो पहले की अवस्था में नहीं रहता है। उसी प्रकार कहा गया है क्या कि रेंसिडिटी में भी क्या होता है, आपका कोई भी चीज़ कुछ देर छोड़ देने के बाद गर्मी के दिनों में, या फिर ऐसे भी, उसमें बासीपन या खट्टा आ जाए, खट्टापन आ जाएगा। उसी को देखते हैं कि आखिर विकृत गंधिता में क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बासीपन या खट्टापन। तो विकृत गंधिता आखिर होता कैसा है, तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं कि विकृत गंधिता एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में या प्रतिक्रिया के बारे में, तो उसी का एक भाग है। तो विकृत गंधिता भी क्या है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसकी स्थिति ऐसी है जो खाद्य पदार्थों में असंतृप्त वसा और अप्रिय स्वाद या गंध वाले अन्य उत्पाद के कारण जो ऑक्सीकरण द्वारा होता है, जो अप्रिय स्वाद या गंध भोजन में होता है वो ऑक्सीकरण के कारण होता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, यानी इसमें उपचयन हो जाए, यानी ये भोजन क्या करे, उपचयित कर दे। हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या पढ़े थे कि उपचयन हो रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, उस भोजन को या खाद्य पदार्थ को क्या कर दे रहा है, उपचयित कर दे रहा है, यानी ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। इस कारण से उस भोजन का जो है वो खाद्य पदार्थ का टेस्ट बदल जा रहा है, स्वाद बदल गया। तो इसी को हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम विकृत गंधिता, ठीक है। तो इस विकृत गंधिता में क्या होगा कि यहाँ पे असंतृप्त वसा लिखा गया है, असंतृप्त जिसमें जो पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो, यानी जिसमें वसा में अगर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो और भी सामान उसमें मिलाया जा सकता है। जैसे अब देखिए, तो इसमें नोट लिखा गया है, जब वसा सामग्री को असंतृप्त घटकों को सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है, जिसमें वो हाइड्रोपेरा ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोपेरोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब हम किसी भी वसा सामग्री, जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा हो, जो तेलीय ज्यादा हो उस पदार्थ, उसको हम जैसे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाते हैं, यानी गर्मी बढ़ेगी जैसे ही, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, हाइड्रोपेरोक्साइड में, जो कि एक विकृत गंधिता का ही घटक है, ठीक है। अब देखिए, तो विकृत गंधिता में आखिर कौन कौन से प्रकार होते हैं, और विकृत गंधिता को से हमें सुरक्षा देने के लिए उसमें कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो विकृत गंधिता या बासीपन, ठीक है, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, ऐसे तो हम लोग नहीं पढ़े हुए, लेकिन जो विकृत गंधिता होता है मूलतः तीन प्रकार का होता है। तो पहला कौन सा है, तो हाइड्रोलाइटिक बासीपन या विकृत गंधिता। इसमें क्या होता है, जो चयन होता है, जो वसीयकृत अम्ल का जो चयन होता है, वो बहुत छोटा छोटा चयन होता है, ठीक है। उसके बाद तो इसको हम लाइपेज एक एंजाइम होता है, उसके द्वारा हाइड्रोलाइटिक बासीपन को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। किसी खाद्य पदार्थ में जब हाइड्रोलाइटिक बासीपन हो तो उसे लाइपेज एंजाइम के द्वारा तोड़ा जा सकता है। फिर ऑक्सीडेटिव बासीपन, इसमें बड़े असंतृप्त वाले वसा अम्ल होते हैं, जो इसमें वसा अम्ल होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, किसके मुकाबले, हाइड्रोलाइटिक के मुकाबले। और इसके बासीपन को, विकृत गंधिता को दूर करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट है जैसे विटामिन ई, विटामिन सी, ये सब आपका एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, माइक्रोबियल
बासीपन। तो माइक्रोबियल यानी सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया से जो जिस विकृत गंधिता होती है, जो बासीपन आता है, जो खट्टापन आता है भोज्य पदार्थों में, हमारे खाने वाले पदार्थों में, उसे हम करते हैं माइक्रोबियल क्या बासीपन। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव की वसा का रासायनिक संरचना होता है हमारे खाद्य पदार्थों में, जिसके कारण वो हमारा खाद्य पदार्थ है जो वो बासी हो जाता है या खट्टापन उसमें आ जाता है। तो विकृत गंधिता से अब कहा गया कि इसमें सुरक्षा कैसे दी जा सकती है, किसी भी जो चीज़ हमें खराब हो जाए उसको बचाया कैसे जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, मान लो क्या करेगा, अचार को में क्या करेगा, तेल ज़्यादा डाल देता है। इससे क्या होता है कि उसमें जो भुआ है या फिर किसी प्रकार का कीड़ा है, वो कीड़ा कस नहीं सकता, उससे फफूंदी कह सकते हैं, वो चीज़ क्या है, नहीं लगता है। तो क्या होता है, वहाँ पर वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, कौन, तेल। तो ऐसे ही विकृत गंधिता में हम क्या करते हैं, जब खाद्य पदार्थ को किसी को रखते हैं तो उसमें जो पदार्थ रखते हैं उसका जो कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट का मतलब कि उसमें हवा थोड़ी भी मात्रा में नहीं जाए, ठीक है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट यानी जो ऑक्सीडेशन के कारण क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट मिलाना चाहिए, जिससे क्या हो, ये हमारा पदार्थ भोज्य पदार्थ कुछ समय तक के लिए सुरक्षित रहे। फिर कहा गया चिप्स का थैला, हम लोग बाजार में जो कुरकुरे चिप्स ये सब खाते हैं, तो वो चीज़ में जो बहुत सारा मात्रा में हवा भरा रहता है, बल्कि चिप्स के दाने चार रहते हैं लेकिन हवा बहुत सारा मात्रा में भरा रहता है, देखे रहते हो बड़ा बड़ा पैकेट लेकिन छोटा सा सामान, तो वो किस कारण से भरा, किस चीज़ का भरा होता है, तो नाइट्रोजन किस गैस से भरा होता है, और क्यों भरा होता है, क्यों ऑक्सीजन का यानी क्यों नहीं भरा जा सकता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय एलिमेंट है यानी सक्रिय तत्व है, बहुत चीज़ों से जल्दी क्या करता है, अभिक्रिया करता है, इस कारण से नाइट्रोजन को डाला जाता है, और नाइट्रोजन जो होता है बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करता है, जिस कारण से क्या होगा, आपका ये चीज़ें बहुत कम खराब होंगी और बहुत लंबे टाइम तक यह क्या रहेगी, सुरक्षित रहेंगी। फिर कहा गया कि खाद्य पदार्थ को रखने के लिए प्रशीतक का उपयोग किया जाता है या रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है, किसमें, खाद्य पदार्थ को रखने के लिए, जिससे क्या हो, ये कुछ समय तक, दो तीन दिन, जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं जाड़े के दिनों में कुछ सब्जियां या बाजार से लाकर उसमें डाल देते हैं, कुछ फल डाल देते हैं, कुछ समय तक वो बची रहे, या गर्मी के दिनों में भी हम लोग क्या करते हैं ठंडा उंडा डाल देते हैं, जिससे वो कुछ देर तक फ्रिजरेटिव रहे, मतलब वो चीज कुछ देर तक आपका क्या लिए, सुरक्षित रहे। तो आखिर विकृत गंधिता को कौन कौन से ऐसे भौतिक कारक हैं जो क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, तो हवा है, सूर्य का प्रकाश है, और उसमें भी हवा में भी ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है, जो ऑक्सीजन क्या करता है, ज़्यादा विकृत गंधिता को प्रभावित करता है। उसके बाद और कौन कौन से तत्व हैं जो विकृत गंधिता को प्रभावित करते हैं, तो वो है आपके आयरन यानी फेरम और जिंक, ठीक है, ये दो तत्व हैं जो विकृत गंधिता को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए, वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब हिंस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।